नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि होली के त्योहार पर बाजारों में नकली मावे की खपत बढ़ जाती है और मिठाइयों के निर्माण में इस मावे को मिलाया जाता है, इसलिए आज से खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है। इसके तहत ही जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस में बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि अपने जिले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पर आप लगातार नजर रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 क्विंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है, अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। सर इसकी जांच में तो काफी लंबा समय लग जाता है, तब तक तो आदमी इस्तेमाल नहीं, इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे और उस पर एक प्रोविजन हमारे यहाँ की उस पर लिख दिया जाता है कि आप इसको तुरंत जांच करके भेजिए, तो उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए।